गुजरात के रण की खबर से, क्योंकि गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। रिकॉर्ड संख्या में लोग मतदान करें, प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से। पहले चरण में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं और किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है और वोटिंग लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि आपके क्षेत्र में अगर मतदान हो रहा है तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूर पहुंचे। और खास इसलिए भी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री गुजरात में कई जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। हालांकि रोड शो भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और मेगा रोड शो उसे बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए अपडेट आपको दे देते हैं गुजरात चुनाव से जुड़ा हुआ। सुबह 9 बजे तक 4.63% वोटिंग हुई है, और आपको बताएं कि अमरेली में 4.68% वोटिंग हुई है, भरूच में 3.44% वोटिंग हो चुकी है, भावनगर में 4.13% वोटिंग हुई है, बोटाद में 4.62% वोटिंग हुई है, डांग में 7.76% वोटिंग हुई है, तो द्वारका में 4.09% वोटिंग हो चुकी है, गिर सोमनाथ में 5.17% वोटिंग हुई है, जामनगर में 4.42% वोटिंग हुई है। तो देखिए, वोटिंग लगातार जारी है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच भी रहे हैं, लेकिन पहले फेज की अगर बात की जाए तो पहला फेज वही है जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन इस बार टक्कर कड़ी है, मुकाबला भी कड़ा है, और इसीलिए दोनों ही पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी हुई है। दिग्गज लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और ये वही समय होता है क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या हो जाए, क्या बदल जाए, ये किसी को नहीं पता होता है। और किसके वादों में, किसके दावों में कितना दम है और किसके दावों और वादों पर जनता विश्वास जताती है, वो जब मतगणना होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन और सुरेंद्र नगर गुजरात से रवि शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सुबह से लगातार वोटिंग जारी है, सुरेंद्र नगर में आपकी मौजूदगी है, वहां की तस्वीरें क्या, और वहां अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, मैं गुजरात की सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर मौजूद हूं, और ये जो सुरेंद्रनगर एरिया है ये बड़वान जो विधानसभा सीट है उसके तहत आता है। अल सुबह से यानी कि 8 बजे का समय था, लेकिन उससे भी पहले से जो लोग हैं उनकी आवाजाही जो है वो मतदान केंद्रों पर शुरू हो गई थी। आप देखिए किस तरीके से लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, जो भी मतदाता है वो अल सुबह से यहाँ पहुंचा है, कड़ी सुरक्षा के बीच में शांतिपूर्वक मतदान जो है वो यहां पर चल रहा है सुरेंद्र नगर में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि चूंकि ये जो सुरेंद्र नगर का पूरा जो एरिया है, दरअसल 5 विधानसभा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, जिसमें कि बड़वान एक विधानसभा है, और उसके अलावा देखिए लीमड़ी विधानसभा, दसाना विधानसभा, चोटीला और धांगेंद्रा जो विधानसभा है, ये तमाम जो विधानसभाएं ये सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में कवर होती हैं। और 2017 का जो चुनाव था जी, उस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था, 4 सीटों पर कब्जा जमाया था, सिर्फ एक यानी कि जो बड़वान जो विधानसभा है ये बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है, बीच में जो उपचुनाव हुए 2 विधानसभा सीटों के, उनमें बीजेपी ने बढ़त बनाई, और फिलहाल की जो वर्तमान स्थिति थी वो 3-2 का जो है फासला था, 3 पर बीजेपी थी इस डिस्ट्रिक्ट की 5 विधानसभाओं में से, और 2 पर कांग्रेस रह गई। तो ऐसे में काफी कड़ा मुकाबला है, जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी कश्मकश रही, और आज जो है एक तरीके से कहें तो भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, आप मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश जो है वो दिखाएंगे कि किस तरीके से मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। एक बुजुर्ग मतदाता मेरे साथ में, किस विश्वास के साथ में और किन मुद्दों पर आप वोट करने आए हैं? वोट वो खानगी है, किसी को बताना नहीं चाहिए, वो दिल में लगेगा उसका मत देगा, दिल में लगेगा। लेकिन कोई समस्या इस इलाके की जिसको लेकर आप? समस्या है मूंगवारी की, पानी की, रास्ता की, समझा? मतलब अभी परिवर्तन के लिए और
लोगों जा रहा है मतदार। बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल सुरेंद्रनगर की बात करें तो ये जो इलाका है यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो काफी रही है, सूखाग्रस्त काफी इलाका है। हालांकि नर्मदा का पानी यहाँ पर पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम जो इलाके हैं वो सरसब्ज अगर पानी के लिहाज से माने जाए तो नहीं हो पाए। बरसात के पानी पर यहाँ की खेती जो है वो डिपेंडेंट है, तो ऐसे में कई सारी समस्याएं इस इलाके की हैं। और यही वजह है कि जो मतदाता है वो अपने मन में अपने दिल में भावनाओं के साथ में यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं, उसकी समस्याएं जो भावी जनप्रतिनिधि है वो कितना पूरी कर पाएगा ये तो 8 तारीख को जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात, एक अच्छा शगुन अगर माना जाए तो वो ये कि लगातार मतदाता घरों से बाहर निकल रहा है, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है, और यही लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आधार है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि बेशक वोटिंग बढ़ चढ़कर होती है और जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं उनसे लगातार अपील भी की जा रही थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और हमने देखा है जब जब जहां जहां इस बार इलेक्शन हुए हैं एक अलग तैयारी देखने को मिली है, फिर चाहे वो पिंक बूथ की बात की जाए या पोलिंग बूथ पर अलग से सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो वहां पर इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर आपकी मौजूदगी है? बिल्कुल, देखिए जो पहले चरण का मतदान है 19 जिलों की जो 89 सीट है उन पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, तकरीबन 14,000 से ज़्यादा बूथ जो हैं वो तमाम जगहों पर बनाए गए हैं। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कई सारे बूथ ऐसे हैं इस पहले चरण की विधानसभा की जो मतदान है उसमें जहाँ पर महिला जो मतदान कर्मी हैं वही उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और देखिए मैं एक और तस्वीर मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, पहले देखिए किस तरीके से महिला मतदाताओं का उत्साह जो है, और ये अभी नहीं, आज जब सुबह से मतदान शुरू हुआ है तो सबसे पहले महिला मतदाताओं ने यहां पहुंचना शुरू किया। और दूसरी बड़ी बात कि जो अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको भी साथ लेके महिलाएं जो हैं वो यहां मतदान केंद्रों पर पहुंची, और ये बहुत अच्छी सुखद तस्वीर कही जा सकती है। चूंकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनको भी मतदाता बनना है, उनको भी अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और अभी से ही इस तरीके से उनको इस पूरी इस प्रक्रिया को दिखाना जाहिर सी बात है एक सुखद संदेश है। लेकिन अभी भी हम फर्स्ट इंडिया न्यूज भी यही अपील करता है और तमाम जो लोग हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें ताकि एक मजबूत लोकतंत्र, एक मजबूत जनप्रतिनिधि का चयन किया जा सके। बिल्कुल रवि, और ये देखिए वाकई में सुखद तस्वीरें हैं, और वो जो आधी आबादी, वो जो महिलाएं हैं जो साइलेंट वोटर कही जाती हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। आप शुक्रिया रवि आपका बातचीत के लिए, जानकारी दर्शकों तक।